स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर डी सुब्बा राव, और हम बात करेंगे उनकी किताब पे जो अभी अभी पब्लिश हुई है, और इस किताब का नाम है हु मूव्ड माय इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्टिंग टाइटल ही आपने रखा है डॉक्टर सुब्बा राव, लेकिन पढ़ के ऐसा लगता है आप ये सवाल पूछ रहे हैं हु मूव्ड माय इंटरेस्ट रेट, तो क्या आप वाकई में वो डिसीजन नहीं ले रहे थे आपको ऐसा लगता है, या आपको इतनी आजादी नहीं मिल रही थी, या जैसे कि हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि सरकार का बड़ा प्रेशर होता है इसलिए आपने ऐसा टाइटल रखा? नहीं नहीं नहीं, वो सब जो इन्फ्लुएंस आप क्या करें वो गलत है। हु मूव्ड माय इंटरेस्ट रेट इसलिए टाइटल रखा कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करता है ना, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को, लेकिन लोग समझना चाहते हैं उनका इंटरेस्ट रेट बदल जाता है जो उनका बैंक में अकाउंट है, वो डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट बदलता है, जब वो हाउसिंग का लोन लेते हैं वो मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट बदलता है, उनको मालूम नहीं होता है कि ये आरबीआई का इंटरेस्ट रेट बदलना और उनका इंटरेस्ट रेट का क्यों बदल गया, क्या कनेक्शन है। सो लोग सोचते हैं हु मूव्ड माय इंटरेस्ट रेट, सो उनको मालूम होना कि आरबीआई का पॉलिसी की वजह से उनका इंटरेस्ट रेट जो डिपॉजिट में मिलता है, जो लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट पे करना है, वो सब आरबीआई के इंटरेस्ट रेट में पर ही आधार होता है। अच्छा, तो ये हमारी तरफ से लोगों की तरफ से ये सवाल है। आपका एक रिकॉर्ड है इतनी ज्यादा बार, और आपने पहले आके इंटरेस्ट रेट घटाए, फिर बढ़ाए, फिर घटाए, और जाते जाते आखिर में फिर बहुत जोर से अचानक बढ़ा दिए आपने 2-3% एक झटके में, तो मतलब सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव गवर्नर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आप। दैट इज ट्रू, वो इसलिए मैं लिखा भी कि कोई और गवर्नर को ऐसा क्राइसिस नहीं मिले, क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस फॉर 5 ईयर्स, कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए कम करे, फिर बढ़ाए फिर कम किए, ऐसा हाल किसी और गवर्नर को नहीं होना है। क्योंकि काटते टाइम आपने बहुत जोर से काटा, बहुत 3.5% ऑलमोस्ट एक रिकॉर्ड लो पर आप ले आए, उसके बाद फिर आपने जब बढ़ाया तो शायद जितना बढ़ाना चाहिए था, जितनी जल्दी बढ़ाना चाहिए था नहीं बढ़ाया, बेबी स्टेप आप कहते थे, और उस समय ये बहुत ही मशहूर टर्म हो गया था आपका। मशहूर टर्म हो गया बेबी स्टेप, ने बेबी स्टेप में हम किया, लेकिन अब जब नो नाउ यू शुड लुक एट दैट पीरियड विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, ऑफ कोर्स यू से यू शुड हैव मूव्ड फास्टर, टाइटेंड फास्टर, बट बिकॉज इफ यू आर एक्टिंग इन रियल टाइम, जो हमको तब मालूम था, हमको ये डेटा ये बता रहा है कि रिकवरी स्लो है, ग्रोथ कम है, तो बेबी स्टेप में भी इंक्रीज करना है, लेकिन बाद में पता लगा कि ग्रोथ रिकवरी बहुत फास्ट था, वी शेप रिकवरी था, ग्रोथ जो ग्रोथ वॉज मच हायर देन वी ओरिजिनली थॉट। आप कह रहे हैं कि जो आंकड़े आपको मिलते थे ग्रोथ और इन्फ्लेशन के वो गलत थे? गलत नहीं, या दे वर रॉन्ग इन द सेंस दैट यस दे वर सब्सिक्वेंटली एडजस्टेड, यस रिवाइज होके, दे वर फ्लॉड डेटा, यस। तो बाद में ग्रोथ का रिवीजन काफी ऊपर आ गया, 1% शायद उस समय बढ़ा रिवाइज हो गया था, यस यस, जो कि बहुत ही शॉकिंग है, इतना बड़ा रिवीजन जीडीपी में नहीं है। नॉट ओनली ये ज्यादा था, लेकिन क्वाइट अब्रप्टली ज्यादा था, इट्स अ वी शेप रिकवरी, यस द रॉन्ग फुटेड अस। अभी जो जीडीपी के आंकड़े नए आए हैं उस पर आपका क्या व्यू है? There the difference exists between the more frequent data and the headline GDP data. But what is certainly true is that the economy is growing faster than before, and certainly it's one of the fastest growing economies in the world. The magnitude of growth, of course, is open to doubt. तो मतलब आप अंधों में काना राजा नहीं बोलेंगे? वन आइड मैन इन अ वर्ल्ड ऑफ ब्लाइंड, नो दैट्स अ डिफरेंट मैटर, यस यस, नो इट्स या। आप सहमत हैं, लेकिन शायद आप उतना ब्लंटली जब आप गवर्नर थे तब भी नहीं बोलते थे। दैट्स अ जजमेंट यू हैव टू मेक, या। तो यानी इन आंकड़ों पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं आपको लगता है कि वो जेन्युइन है? जो जीडीपी डेटा, या टू सम एक्सटेंट दैट इज ट्रू, दैट इज जेन्युइन, यस। आपने ये लिखा है कि मनरेगा जो है अपने आप में, और जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया गया वो एक गलत स्कीम थी, एक फ्लॉड स्कीम थी उसके अंदर। आई डोंट थिंक आई सेड इट्स अ फ्लॉड स्कीम, आई सेड व्हाइल एनरेगा वाज अ, आई डिडंट मेक एनी जजमेंट ऑन द स्कीम एज सच, दैट एनरेगा वाज अ स्कीम व्हिच इंक्रीज्ड रूरल वेजेस, विच इज अ गुड थिंग। आपने कहा है कि अगर आप लोगों की इनकम बढ़ाते हैं साथ में प्रोडक्शन भी बढ़ता है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक तो प्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं हो रहा था और दूसरी तरफ सरकार लोन लेके ये पैसे दे रही थी, तो
कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक इकोनॉमिस्ट के तौर पे जब आप इसको जज करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी और इसकी वजह से ये इन्फ्लेशन बढ़ा, फिर बाद में रुपया गिरा। गलती ये नहीं है कि मनरेगा स्कीम का, एक गलती ये है कि हम वी डिड नॉट कट अदर अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। कॉन्सिक्वेंट यू नो इट्स डिफिकल्ट टू से विच अमाउंट इज स्पेंट ऑन विच स्कीम। यू कांट से दैट इज बोरोड मनी दैट इज स्पेंट ऑन मनरेगा, यू नो, बिकॉज गवर्नमेंट मनी इज फंजेबल, राइट? सो अदर स्कीम्स should have been cut, other unproductive expenditure should have been cut, so that you spend on MGNREGA that raises production and productivity without raising inflation. और ये बात आप हर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखते थे, ये मुझे याद है उस समय। और लेकिन आप देखिए, आपके पास एक प्रधानमंत्री थे जो खुद पूर्व आरबीआई गवर्नर थे, इस चीज को समझते थे। आपने उनको फोर्सफुली ये नहीं कहा कि आप बहुत बड़ी क्राइसिस में जा रहे हैं इस तरह की पॉलिसी लेकर? नहीं, जो हम प्रधानमंत्री जी से कहते हैं वो बहुत बार वो डिस्कशन हुआ, प्रधानमंत्री जी को मालूम था। इट्स नॉट एज इफ यू नो आई डिड नॉट टेल हिम, और इट्स नॉट एज इफ ही वाज अनअवेयर। The discussion used to take place, certainly, but there were for government to take a decision. There are a host of other factors. So, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी इस बात की समझ थी certainly. कि इस पॉलिसी में गड़बड़ है, जिस तरह से काम चल रहा है वो ठीक नहीं है, पर वो रोक नहीं पाए। Well, I can't say that, but he was aware of the problem of fiscal excesses, the urgency of fiscal consolidation. Of course, he was aware of that. ब्रेक लेने से पहले अगर आप थोड़ा कुछ रिकॉल कर पाए, उनके क्या एग्जैक्ट व्यूज होते थे, क्या कैसे वो आपको एक्सप्लेन करते थे, क्योंकि वो तो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने आपको समझाई होगी, अपनी पोजीशन उन्होंने क्लियर की होगी। प्राइम मिनिस्टर हैड पॉलिटिकल कंपल्शंस, ऑफ कोर्स ही वुड टेल मी, आई रोट इन द बुक ऑल्सो दैट ही वॉन्टेड मी टू बी मोर सिंपैथेटिक टूवर्ड्स द गवर्नमेंट फिस्कल स्टांस, क्योंकि उन्होंने सोचा है, सुबह फाइनेंस सेक्रेटरी था, उसको मालूम होना कि गवर्नमेंट को ये टफ डिसीजन लेने में कितना मुश्किल होता है। वो भी अब रिजर्व बैंक गवर्नर होकर ये फिस्कल डेफिसिट पर ऐसा स्ट्रांग स्टेटमेंट दे रहे हैं, यू शुड बी मोर अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाट द प्राइम मिनिस्टर थॉट। ओके, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपके जाने के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जा रही है, तो डॉक्टर सुब्बा राव से ये जानेंगे कि क्या ये एक बेहतर तरीका है और क्या आरबीआई वाकई एक टारगेट डिलीवर कर सकता है या नहीं, उस पर भी कुछ इंटरेस्टिंग व्यूज हैं। डॉक्टर सुब्बा राव आपके जानेंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर डी सुब्बा राव से। डॉक्टर सुब्बा राव, अभी जो नया मेथड सामने आया है, सरकार और आरबीआई के बीच समझौता हुआ है, इन्फ्लेशन टारगेट तय किया गया है, आपको लगता है अगर आपके वक्त पे हुआ होता तो शायद इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती जैसे कि हमने देखा 14-15% तक जाते हुए? मेरली हैविंग एन इन्फ्लेशन टारगेट आई डोंट थिंक वुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दैट टाइम, यू नो, बिकॉज इवन इफ यू हैव एन इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क, इट इज नॉट एज इफ यूर अनमाइंडफुल ऑफ अदर कंसर्न्स। यू डू care about growth, you do care about financial stability, and you do care about balancing between growth, price stability, and financial stability. So to say that if we had an inflation targeting framework during my time, inflation would not have gone up as high as it did, I think would be misleading. Okay, lekin kya aapko ye lagta hai ki RBI एक टारगेट को वाकई डिलीवर कर सकती है? ये पूरी जिम्मेदारी महंगाई की जो उनके ऊपर डाल दी गई है, क्योंकि आपकी किताब में कई जगह ऐसा लगा कि आप जो टारगेट अचीव करना चाहते थे आप एक्चुअली नहीं कर पाए क्योंकि सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया। नो, इट इज अ चैलेंज, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन है, उनका दो वजह होते हैं, डिमांड साइड प्रेशर्स होते हैं और सप्लाई शॉक्स होते हैं। और शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन इन इंडिया वो ज्यादातर कई बार सप्लाई शॉक से भी होता है, लाइक ऑयल प्राइस और फूड प्राइसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ता है। उनका कंट्रोल करना गवर्नमेंट की परव्यू में है, आरबीआई का परव्यू में नहीं है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से ऐसी तरह का इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो ऐसा सप्लाई शॉक से इन्फ्लेशन उठा तो अगर इन्फ्लेशन टारगेट है तो हाउ कैन आरबीआई डिलीवर ऑन एन इन्फ्लेशन टारगेट इन ए सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन इज ड्रिवन बाय सप्लाई शॉक्स रादर देन डिमांड प्रेशर्स। दैट्स ऑलवेज अ प्रॉब्लम। तो आप रेट बढ़ाते जाएंगे?
रेट बढ़ाते जाएंगे और तब भी इन्फ्लेशन कम पड़े कम होगा नहीं होगा ऑफकोर्स यू कीप रेजिंग रेट्स यू कैन मैनेज इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंड देयरफॉर कंटेन प्रेशर्स टू सम एक्सटेंट बट द लॉन्गर टर्म सॉल्यूशन टू इन्फ्लेशन विच इज ड्रिवन बाय सप्लाई शॉक्स इज टू मैनेज द सप्लाई शॉक्स यू कांट डू दैट एंटायरली बाय मॉनेटरी पॉलिसी ओके लेकिन एक और चीज होती है हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन हमने पिछले दिनों में देखा कि गवर्नर राजन लगातार बैंक से अपील करते रहे कि आप रेट कट कीजिए जब मैं रेट करता हूं कट करता हूं तो आप भी रेट कट कीजिए और वो करते ही नहीं देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इंक्लूडिंग यू नो एटलीस्ट ड्यूरिंग माई टाइम द गवर्नमेंट्स फिस्कल स्टांस एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट्स then number of other factors that were, you know, narrow markets for G6, not enough depth there, not enough depth in our bond markets. There were lots of factors that are inhibiting transmission of monetary policy. To some extent, some of them are resolved now in the sense that the government is on a fiscal consolidation track. In fact, Chidambaram saab ke aane ke baad se hi wo shuru ho gaya. Yes, when Mr. Chidambaram returned to the finance ministry in 2012, he took that head on. And he started that off, and the present government is continuing on that fiscal consolidation track. Oh, administered interest rates, Kabi, that's also been dismantled. Small savings ka interest rate, G6 ka, 10-year G6 का yield पर इंडेक्स हो गया है करेक्ट और ऑयल प्राइस पर जो सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे मुद्दा है कि आप एज एन आरबीआई गवर्नर जब रेट हाई क्या रेट कट करते हैं तो बैंक्स उसको अगर फॉलो ना करें तो उसका असर नहीं होगा नहीं होगा तो आपका अनुभव क्या था जैसे गवर्नर राजन जब किताब लिखेंगे तो वो तो यही कहेंगे कि मैंने बार बार किया और बैंक्स ने फॉलो नहीं किया यस यू नो ट्रांसमिशन वॉज समवॉट क्लॉग्ड इवन ड्यूरिंग माई टाइम परहैप्स इट इज मच मोर नाउ it's difficult, it's wrong to compare one time with another. You know, the circumstances under which transmission is not taking place today are different from the circumstances in which our transmission was not taking place during my time. आपने ये भी कहा है कि दरअसल सरकार का दबाव था पीएसयू बैंक्स के ऊपर कि वो रेट ना बढ़ाएं इसलिए जब आप रेट बढ़ाते थे तो बैंक्स रेट नहीं बढ़ाते थे हाँ वो दैट इज ट्रू आई रोट अबाउट दैट बट आई ऑल्सो सेड दैट That happened more during Dr. Reddy's time than my time. Yes, it happened to some extent. Jab main governor tha, tab bhi aisa kuch hua tha. Lekin jab main finance secretary tha, Governor Reddy governors the, un tab zyada tarah hota tha. Okay, yani sarkar aur RBI hamesha ek page pe hon aur ek saath milkar kaam kare, aisa nahi hota. In dinon hum ye charchaein to aam taur pe sun rahe, lekin interesting baat ye ki Governor Subba Rao ke samay mein jis sarkar ne inko appoint kiya tha, usi sarkar ke saath इनके काफी मतभेद उभर कर सामने आए ऐसा क्यों हुआ जानेंगे फिर से स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में हम बात कर रहे हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉ डी सुब्बा राव के साथ उनकी किताब पे सुब्बा राव आपने इस किताब में जैसे कि ये कहा है कि सरकार के साथ आपके काफी मतभेद और बहुत जल्दी होने शुरू हो गए इसके पीछे क्या वजह थी क्योंकि अभी जब ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार और गवर्नर राजन के बीच में थोड़ी खींचतान होती है तो ये समझा जाता है कि ये इनको पुरानी सरकार ने अपॉइंट किया था इसलिए नई सरकार शायद इनसे सहमत नहीं है पर आपके टाइम तो वही सरकार वही मंत्री वही प्रधानमंत्री और फिर भी मतभेद यस दैट हैपन्स बिकॉज गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक्स लुक एट दिस ग्रोथ इन्फ्लेशन बैलेंस डिफरेंटली यू नो आई रोट इन द बुक ऑल्सो दैट एवरीवेयर नॉट जस्ट इन इंडिया कई कंट्रीज में डिफरेंसेस होते हैं सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के बीच हमारे यहां यू नो देयर इज अ नेसेसरी कंडीशन for growth, long-term sustainable growth, is price stability. And Reserve Bank ka zimmedari hai, wo price stability maintain karna, loans steady inflation maintain karna. तो होता यह है कि हमेशा ये देखते हैं कि वित्त मंत्री कहते हैं रेट घटाइए और आरबीआई गवर्नर कहते हैं कि नहीं हम रेट नहीं घटाएंगे चाहे वो वाई वी रेड्डी हो चाहे वो डी सुब्बा राव हो चाहे वो रघुराम राजन हो ऐसा क्यों ऐसा क्योंकि बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी elected governments have, you know, their horizon is determined by electoral politics and electoral cycle, compulsions of democratic politics.
तो उनका शॉर्ट टर्म होराइजन होता है, आरबीआई का लॉन्ग टर्म होराइजन होता है, इसका कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से हमने कुछ ज्यादा ही मतभेद होते हुए देखे हैं, इनफैक्ट आपने ये कहा भी है कि हमने दूसरे देशों में, फ्रांस में या यूएस में देखा, जहां पर अपोजिशन कई बार सेंट्रल बैंक गवर्नर पे आरोप लगाते हैं, हमले करते हैं। ऐसा हमारे देश में नहीं हुआ, आपका अनुभव तो ये था, लेकिन इस बार गवर्नर राजन के मामले में पहली बार हमने देखा कि अपोजिशन नहीं बल्कि रूलिंग पार्टी ने पॉलिटिकल इश्यूज बनाए और उनके ऊपर आरोप लगे। कैसे देखते हैं आप इसको? I was quite surprised by that because yes, it is true, I wrote in my book that it's unthinkable that the office of the governor would be brought into political engagement and has become an issue in politics. Should not happen that way. It's possible for a political executive, MPs or anyone to criticize the governor on his policy, to differ with him for his policy biases, for his policy orientation, but to cast doubts on the allegiance or the credentials of the governor, I think has taken discourse to a different level. So, ये जो differences इस बार बहुत ज़्यादा हुए, इसके पीछे एक और वजह, जो कि एक बहुत ही senior मैं नाम नहीं ले सकता, तो मैं कहूँगा कि RBI के ही एक सूत्र से मुझे जो समझ में आया कि पहले अगर आप देखिए तो रंगराजन साहब और जालान साहब दोनों इकोनॉमिस्ट थे, वो आईएएस नहीं थे। उनके साथ वाईवी रेड्डी डिप्टी गवर्नर थे जो आईएएस थे, रेड्डी साहब खुद आईएएस थे, आप आईएएस थे। इस बार पहली बार है कि कोई भी गवर्नर या डिप्टी गवर्नर आईएएस नहीं है। क्या दिल्ली और मिन स्ट्रीट के बीच इसलिए फासले बढ़ गए? यू कांट से दैट, दैट्स नॉट नेसेसरली द केस। इवन एन आईएएस गवर्नर कैन हैव प्रॉब्लम्स विद द गवर्नमेंट, एन नॉन आईएएस गवर्नर कैन गेट अलोंग वेरी वेल विद द गवर्नमेंट। इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ लीडरशिप, इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द सर्कमस्टांसिस। अगर ग्रोथ इज वेरी हाई एंड इन्फ्लेशन इज वेरी लो एंड एवरीबडी इज ऑन द पाथ ऑफ मैनेजिंग सक्सेस रादर देन मैनेजिंग प्रॉब्लम्स, I think there'll be certainly harmony between the government and the RBI. नहीं, आपके और राजन साहब के मामले में जो बड़ा फर्क दिखता है, आपके भी डिफरेंसेस थे, आपने कहा है कि प्रणब मुखर्जी साहब आपसे बहुत सहमत नहीं रहते थे, लेकिन आपको एक्सटेंशन मिला, और गवर्नर राजन के साथ तो इतने डिफरेंसेस हमको नहीं दिख रहे थे, फिर भी उनको एक्सटेंशन नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप बेटर मैनेज कर पाए? नहीं, आई डोंट थिंक यू शुड रीड इट दैट वे, नॉट एट ऑल। मैं आपकी किताब से ही पढ़ता हूं जो आपने लिखा है। आपने लिखा है अपने एक्सटेंशन के बारे में कि नॉट बीइंग गिवन एन एक्सटेंशन वुड हैव फेल्ट लाइक अ सील ऑफ डिसअप्रूवल ऑफ माय परफॉर्मेंस। दैट इज ट्रू। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये सरकार का सील ऑफ डिसअप्रूवल है रघुराम राजन? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, सर्टनली नॉट द केस। आपने लिखा है सर, नो दैट इज अबाउट मी, दैट इज हाउ आई वुड हैव फेल्ट इफ आई वाज नॉट गिवन अ रीअपॉइंटमेंट, बट यू कांट एक्सट्रापोलेट दैट to Governor Rajan's case. Nobody can doubt his credibility or his competence. He's been a star performer. So, आपको क्या वजह लगती है? I do not know. No, I'm not on the inside track. So, I have not spoken to the governor, nor have I spoken to anyone in the government. But ये एक फील आती है आपकी उस चैप्टर को पढ़ के जहां आपने एक्सटेंशन की बात की है, कि आपको ये कहा गया था सरकार की ओर से कि 5 साल का टर्म है, 3 साल के बाद रिव्यू होगा और एक्सटेंशन तो हो ही जाएगा। एक तरह से यह परंपरा बन गई थी पिछले 4 गवर्नर्स के टाइम पे, अब वो टूट रही है। तो आप मानेंगे कि ये एक, आपने कहा है प्रेसिडेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है सरकार में, तो सरकार ने एक प्रेसिडेंट को तोड़ा है? दैट इज ट्रू, इट प्रेसिडेंट हैज बीन ब्रोकन इन दिस केस बिकॉज नो डॉक्टर रेड्डी वॉज गिवन अ स्ट्रेट 5-year टर्म, बट जो अलग गवर्नर थे डॉक्टर रंगराजन, डॉक्टर जलान एंड मी, वी वर ऑल गिवन 3 years फर्स्ट एंड देन गिवन अ रीअपॉइंटमेंट। इन द केस ऑफ डॉक्टर राजन दैट डिड नॉट हैपन, एंड येस टू दैट एक्सटेंट इट्स बीन अ डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट प्रैक्टिस। आपके साथ जो एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी थी, आप उससे कभी सहमत नहीं हुए, ज्यादातर सहमत नहीं हुए, ऐसा लगा तो एमपीसी बनने से तो बड़ा केओस हो सकता है? नहीं, नॉट नेसेसरली। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी और एमपीसी में फर्क है। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी वो एडवाइजरी है जो एमपीसी में वोटिंग होता है। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी सब सारे मेंबर आरबीआई गवर्नर ने अपॉइंट किया, लेकिन एमपीसी में 3 मेंबर आरबीआई के होंगे, 3 मेंबर गवर्नमेंट के होंगे, एंड एमपीसी को स्टैट्यूटरी बैकिंग है। टीएससी वॉज जस्ट
a creation of the Reserve Bank, whereas MPC has a statutory backing. So to extrapolate from the experience of the TAC to what might happen under an MPC setup, I think will be misleading. लेकिन आप देखिए, तीन मेंबर तो सरकार के होंगे. आपकी किताब पढ़ के पता चला कि सरकार डिप्टी गवर्नर के अपॉइंटमेंट में आरबीआई गवर्नर के रिकमेंडेशन को ओवर रूल कर देती है. तो वो भी मेंबर्स गवर्नर के साथ हो या ना हो कोई गारंटी नहीं. तो एक तरह से तो गवर्नर के हाथ से डिसीजन ही निकल जाएगा. I don't think we should get ahead of ourselves. We should see how the MPC functions. And ये important है कि जो conventions, traditions established होंगे वो बहुत important है. MPC should function independently as a professional body, making a decision based on the analysis given to them by the Reserve Bank staff and from whatever else they can bring to the table. So to believe that MPC will be biased against the Reserve Bank ab initio, I think will be misleading. एक कहावत है कि लिखे ईसा पढ़े मूसा, यानी एक प्रॉफिट जो लिखते हैं उसको समझने के लिए एक दूसरा प्रॉफिट चाहिए. एक सेंट्रल बैंकर जो लिखे उसको समझाने के लिए एक दूसरा सेंट्रल बैंकर चाहिए. इतनी मुश्किल होती है. आपकी किताब बड़ी आसान है. आम आदमी जिसने कभी इकोनॉमिक्स ना पढ़ी हो वो भी इसको पढ़ सकता है, समझ सकता है. तो आप किससे बात कर रहे हैं, कौन है आपका ऑडियंस? दो तरह का ऑडियंस है. एक आपने कहा वो सही बात है. आई वॉन्टेड टू डीमिस्टिफाई द रिजर्व बैंक, कम्युनिकेट टू द पीपल व्हाट द रिजर्व बैंक डज एंड द कनेक्शन बिटवीन द रिजर्व बैंक्स एक्शंस एंड देयर एवरीडे लाइव्स. दैट्स सर्टनली वन इंटेंशन बिहाइंड द बुक. ये मैं ये भी चाहता था कि जो मैं 5 साल रिजर्व बैंक में था, that I should explain the circumstances in which I acted. Both criticism tha, ye nahi hai ki ye, this is my response to all the criticism. That's not the point. The point is to communicate the challenges and dilemmas in which, under which the Reserve Bank governor acts. I could, wo jab main governor tha, ye sab nahi bata saka. Jab main office se nikal gaya, ये सब बताने से रिजर्व बैंक का अंडरस्टैंडिंग पब्लिक में होगा ना, वो अच्छी बात है. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर. थैंक यू आपका हमारे लिए वक्त निकाला. थैंक यू वेरी मच प्रदीप.